कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट छोड़ने को लेकर ट्वीट किया। पीएम के इस ट्वीट से उनके फॉलोवर्स में हलचल मच गई। सियासी गलियारों में भी सुगबुगाहट का दौर तेज हो गया और उसके बाद पीएम ने आज एक और ट्वीट किया। तो इस बार क्या लिखा है पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। एक राजनेता के तौर पर पीएम मोदी सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं और इस प्लेटफॉर्म पर काफी सक्रिय भी रहते हैं। सोमवार रात पीएम ने एक ऐसा ट्वीट किया जिसके बाद वे सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। पीएम ने लिखा था कि वो इस रविवार अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को छोड़ने की सोच रहे हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने भारी संख्या में पीएम के इस ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू की। पर कोई भी साफ तौर पर ये नहीं जान पा रहा था कि अचानक पीएम मोदी सोशल मीडिया से किनारा क्यों करना चाहते हैं। कई घंटों तक चले इस कयासबाजी के दौर को आज पीएम मोदी ने एक और ट्वीट कर नया ट्विस्ट दे दिया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, इस महिला दिवस में अपना सोशल मीडिया अकाउंट उन महिलाओं को सौंपूंगा जिनके जीवन और काम ने हमें प्रेरित किया है। ये उन्हें लाखों महिलाओं को प्रेरित करने के लिए सहायक होगा। क्या आप वो महिला हैं या आप ऐसी किसी महिला को जानती हैं जिन्होंने आपको प्रेरित किया हो? अपनी ऐसी ही कहानी #SheInspiresUs के साथ साझा करें। आपको बता दें कि 8 मार्च की तारीख करीब है और इस दिन रविवार भी है। 8 मार्च को पूरे विश्व में महिला दिवस मनाया जाता है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि पीएम महिला दिवस पर सभी महिलाओं के लिए कुछ खास करना चाह रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर आ रही इन सभी प्रतिक्रियाओं के बीच पीएम से ये सवाल पूछना भी जायज है कि क्या शाहीन बाग में बैठी महिलाएं महिलाएं नहीं हैं? क्या एक ही शहर में होते हुए पीएम मोदी शाहीन बाग की महिलाओं को महिला दिवस की बधाई देने और उनकी मांगों को सुनने का मादा रखते हैं? सवाल काफी हैं, लेकिन देखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पीएम मोदी का ये कैंपेन क्या रंग लाता है। DB लाइव की रिपोर्ट।